Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Zee English classes. Today our topic will be about noun. We will learn about how to change numbers. I mean to say how to change singular number into plural number. So let's start our topic without wasting the time. Notice the change of forms in the second word of each pair. नीचे कुछ आपको pairs दिए गए हैं, आप उसका first word भी देखें और second में उसका जो word है उसको भी देखें कि किस तरह से उन्होंने change किया है एक singular को plural में. तो first one is tree. तो tree था हमारे पास singular, tree को हमने trees में change कर दिया s के addition के साथ. Box, तो box को हमने boxes में change कर दिया. इसी तरह से ox, oxen and men को men में. अब हम नीचे देखेंगे रूल्स को कि कहाँ कहाँ पर हमने s का एडिशन करना है, कहाँ पर es का एडिशन करना है और कहाँ पर en का एडिशन करना है. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग. द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन थिंग. A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular numbers as boy, girl, cow, bird, tree, book, pen. ये हमारे पास definition आ गई है singular noun की या singular number की, जिसको आपने क्या कर लेना है. A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number or plural noun. Boys, girls, cows, birds, trees, books, pens. Thus, there are two numbers in English, the singular and the plural. How plurals are formed? पहले हमने introduction देखा कि singular plurals हैं. अब हम देखेंगे कि हमको इनकी formation कैसे होती है. How to change a singular noun or singular number into plural number or plural noun. The plural of nouns is generally formed by adding s to the singular. अब ये तो कॉमन सी प्रैक्टिस है जो हमें कराई गई है कि हमने नाउन के आगे एस का एडिशन करना है जिससे वो प्लूरल बन जाएगा. जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, डेस्क डेस्क एंड काउ काउस. लेकिन सेकंड हमारे पास जो है रूल हमें बता रहा है बट द नाउन्स एंडिंग इन एस एस एच सी एच और ऑक्स, ये चार जो हमारे पास लेटर्स दिए गए हैं इनको अपने माइंड में रखना है कि एस कोई भी ऐसा वर्ड जो एस पर एंड हो रहा हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो एस एच पर एंड हो रहा हो, सी एच पर एस एंड हो रहा हो या ऑक्स पर एक्स पर एंड हो रहा हो, तो वहां पर आपने जब उनको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाते वक्त आपने एडिशन किसकी करनी है, ई एस की एडिशन करनी है. फॉर एग्जाम्पल क्लास. अब देखें क्लास का जो वर्ड है ये किस पर एंड हुआ, एस पर हुआ, इसलिए हमने इसके आगे ई एस का इजाफा करके इसको क्लासेस बना दिया. इसी तरह से किस से किसिस, डिश एस एच पर एंड हो रहा है हमारा तो एस एच पर जो वर्ड एंड होगा उसके आगे हम ई एस का एडिशन करेंगे तो हमने इसको डिशेज बना दिया. ब्रश ब्रशिस, मैच मैच. अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास सी एच था तो सी एच की वजह से हमने ई एस का एडिशन कर दिया. वॉच वॉचिस, ब्रांच ब्रांचेस, टैक्स टैक्सीज. एस एक्स हमारे पास आया हुआ था तो हमने रूम में पढ़ा था कि जहां पे कहीं एक्स आ जाए तो वहां पर हम ई एस का इजाफा कर उसको प्लूरल में चेंज करेंगे. बॉक्स एंड बॉक्सेस. थर्ड रूल इज मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस. कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि ओ पर एंड हो रहे होते हैं तो हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो हमें उसके आगे ई एस का इजाफा करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल बफलो बफलोस, मैंगो मैंगोस, हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोस, कार्गो कार्गोस, इको इकोज, नेग्रो नेग्रोस एंड वोल्केनो वोल्केनोस. तो ये हमारे पास रूल आ गए. इसको अगर आप यहाँ भी सेकेंड रूल के साथ भी याद कर लें या ऐड कर लें कि कोई भी ऐसा वर्ड जो एस पर खत्म हो रहा हो, एस एच पे एंड हो रहा हो, सी एच पे एंड हो रहा हो, एक्स पे हो रहा हो या सिंपल ओ पे हो रहा हो तो उसको जब हमने प्लूरल में चेंज करना है तो उसके आगे हमने ई एस का एडिशन करना है. कम टूवर्ड्स पॉइंट नंबर फोर. अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेरली एड एस. लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके जो ओ पर तो एंड हो रहे होते हैं लेकिन उनके आगे हम सिर्फ एस का एडिशन कर रहे होते हैं. जैसे डायनमो डायनमोस, सोलो सोलोस, रेशो रेशोस. तो ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ओ पर एंड हो रहे हैं लेकिन जब हम इनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो आगे सिर्फ हम एस का एडिशन करते हैं. इनको आपने रीड आउट कर लेना है. नंबर फिफ्थ पे हमें बता रहा है नाउन एंडिंग इन वाई प्रोसीड बाय अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस.
अब इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है कि कोई भी ऐसा नाउन जो वाई पर एंड हो रहा हो तो उस वाई को आपने चेंज करके आई में कन्वर्ट कर देना है, चेंज इनटू आई, और आई में चेंज करने के बाद आपने उसके आगे ईएस का एडिशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी वाई पर एंड हो रहा था तो हमने वाई को आई में चेंज कर दिया और उसके आगे ईएस का एडिशन कर दिया, बेबीज। लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज। अब वाई था इसमें तो वाई को हमने आई में चेंज किया, आई में चेंज करने के बाद हमने इसके आगे ईएस का एडिशन कर दिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ईएस। अब पहले हमने पढ़ा कि कोई ऐसा नाउन जो वाई पर एंड हो रहा हो तो हमने उसके वाई को आई में चेंज कर देना है, उसके आगे ईएस का एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे नाउन जो एफ या एफ ई पर एंड हो रहे हो तो उस एफ या एफ ई को हमने वी में चेंज कर देना है, आई मीन टू से एफ और एफ ई की जगह हमने वी एड कर देना है और एफ ई को हमने रिमूव कर देना है वहां पर, उसके बाद हमने ईएस का एडिशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल थिफ, अब देखिए थिफ में एंड कहाँ पर हो रहा है, एफ पर हो रहा है, तो हमने इसका एफ को रिमूव करके इसकी जगह पे हमने वी लगा देना है और वी लगाने के बाद हमने इसका आगे एडिशन किसका करना है, ईएस का। थिफ थिफ्स, वाइफ वाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स, लाइफ लाइव्स, इसी तरह से हमारे पास ये सारी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनको भी आपने रीड कर लेना है। मेन चीज ये होती है कि आपको रूल्स पता होना चाहिए, जब आपको रूल पता है तो उसकी प्रैक्टिस आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने रूल्स को अपने माइंड में रखा हुआ है, कोई भी ऐसा वर्ड जो अनफेमिलियर है आपके लिए या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको फौरन से माइंड में वो चीज क्लिक करेगी कि इसका ये रूल था, हमने इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहाँ पर रट्टा लगाने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, रूल्स पता हो, तो ये सिंगुलर प्लूरल बहुत एक आम सी चीज है। और ये ऐसे सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो कि आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। द नाउन्स डॉर्फ होफ स्कार्फ एंड वर्फ वर्फ टेक आइदर एस और वीईएस इन अ प्लूरल फॉर्म। इसके आगे या तो हम एस लगा सकते हैं, वीईएस भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक होगा। अब देखें यहाँ पर हमें कह रहा है ड्वार्फ और ड्वार्फ्स, होफ होव्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, तो यहाँ पर उसने स्कार्फ्स एस का ऐड किया और उसके आगे वी ई एस का एडिशन किया। अदर वर्ड एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कोई भी नाउन जो एफ या एफ ई पर एंड हो रहा हो तो एफ को हमने रिमूव करके उसके आगे वी का एडिशन करना है और आगे ई एस को एड कर देना है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स है जो एफ और ई एफ पे तो खत्म हो रहे हैं लेकिन उसके आगे हमने सिर्फ एस का इजाफा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं चीफ चीफ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स, इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको अपने माइंड में आपने रख के इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमें वो बता रहे हैं अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वॉल ऑफ द सिंगुलर। पहले हमने देखा कि हमने नाउन को प्लूरल में चेंज करते वक्त एडिशन करनी है, और एडिशन कैसे करनी है, हमने उस नाउन के एंडिंग वाले वर्ड को देखना है कि एंडिंग वाले लेटर को देखना है कि वो जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर क्या है, उस लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग ही हमने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। लेकिन अब जो हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने उनके इनसाइड जो वॉल वर्ड यूज हुए हैं ए ई आई ओ यू, उनको देखना है और उनको देखकर हमने चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैन एम एन मैन दिया हुआ है तो हमने जब इसको चेंज करेंगे तो हमने इसके आगे एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, बल्कि हमने इसके इनसाइड जो वॉल वर्ड है उसको चेंज कर, वॉल लेटर है उसको चेंज कर देना है। मैन को हमने मैन में चेंज कर दिया, वुमैन वुमेन, फुट फिट, टूथ टिथ। अब यहाँ पर टूथ में देखें डबल ओ था तो हमने इसको टिथ में चेंज कर दिया। गोज घीस, माउस माइस, लाउस लाइस। अब यहाँ इस तरह से आपने चेंजिंग करनी है, इनसाइड वॉल्स को आपने चेंज करना है, ना कि आपने उन वर्ड्स के आखिर में किसी चीज को एड करना है। देर आर अ फ्यू नाउन्स डेट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर एज। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम चेंज कर रहे होते हैं तो हमने उनके आगे एडिशन करना होता है ई एन का। वो कौन से वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशीज। इन करंट इंग्लिश फिश इज अ यूजुअल
प्लूरल फिशेज कैन बी यूज टू रेफर टू डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज। अब समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है कि फिश का प्लूरल क्या है, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, लेकिन जब हम फिशेज वर्ड फिशेज यूज करेंगे इट्स मीन कि हम उसके डिफरेंट काइंड बता रहे हैं, ना कि हम उसको ये बता रहे हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म है। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं अगर हम उनको सिंगुलर फॉर्म में देखें या प्लूरल नाउन में देखें सेम ही उनकी शेप होती है, हमें उनके आगे एस या ई एस का या ई एन का किसी भी वर्ड की या किसी भी लेटर की एडिशन नहीं करनी पड़ती। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्रॉट, सैलमन, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास सिंगुलर में भी इनकी यही शेप रहती है और प्लूरल में भी यही शेप रहती है। दीजिए एग्जांपल दी गई है, आई बॉट 3 dozen oranges। अब देखें 3, अब हमने अगर ये डजन है तो इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक तरह से यूज करेंगे, इसके आगे एस का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन हमने इसकी क्वांटिटी बतानी है तो उसके उसके स्टार्ट में उस प्लूरल उस नाउन के स्टार्ट में हम आगे उससे पहले डिजिट्स लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 यूज किया। Some people reach the age of 3 score and 10। अब यहाँ पर स्कोर का जो वर्ड है हम इसको कभी भी स्कोर्स नहीं करेंगे, इसके आगे एस का या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि जब हमने इसकी क्वांटिटी बतानी हो, इसकी तादाद बतानी हो, तो उससे पहले हम नंबर्स यूज कर लेंगे, डिजिट यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 यूज किया गया। द सैरी कॉस्ट मी 5000 rupees। अब यहाँ पर 5000 था तो इसके हमने थाउजेंड्स नहीं कहा, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसके शुरू में 5 का वर्ड यूज कर लिया। ट्वेंटी हंड्रेड वेट मेक 1 ton। अब यहाँ पर 100 था तो उसकी हमने क्वांटिटी बताने के लिए उसको प्लूरल नहीं किया, हमने हंड्रेड्स नहीं किया, हमने उससे पहले उसका डिजिट जो नंबर था उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन्स आर यूज ओनली इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल ही यूज होते हैं, जो पेयर्स की शक्ल में होते हैं। Names of instrument which have two parts forming a kind of pair, for example, bellows, scissors, tongs, pancreas, spectacles. तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये पेयर की शक्ल में होते हैं, आई मीन टू से उनके टू पार्ट्स होते हैं। जैसे हम ट्राउजर की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर पिक में नजर आ भी रहा होगा, तो ये टू पेयर्स होते हैं इसके। और स्पेक्टेकल्स की बात करते हैं तो दो हमारे पास, जब हम एक ग्लासेस लेते हैं तो टू उसके मिरर्स या शीशे होते हैं। तो इस तरह के वर्ड जो है इनको हमेशा हम प्लूरल ही यूज करते हैं। नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रिचीज, जीन्स, टाइट, शॉर्ट्स, पजामा, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो टू पार्ट पर कंसिस्ट कर रही होती है, आई मीन टू से दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। सर्टन अदर नाउन, फॉर एग्जाम्पल एनाल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, फॉर अ सेल, टाइडिंग्स, एनवीरेंस, इसी टाइप के सारे वर्ड जो हमारे पास दिए गए हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आकर दिया हुआ है नेपचुअल्स, ऑब्सिक्यूस, एसर्ट्स एंड चैटल्स, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास ये हमारे पास एज अ प्लूरल ही यूज होते हैं। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। कुछ तो सिंगुलर हैं लेकिन उनको हम यूज प्लूरल फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया आर्म्स, रिचीज, ईव्स, रिचीज डू मैनी थिंग्स। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब कुछ ऐसे हैं जो शक्ल में उनकी शेप में हमें प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन वो काम किसे कर रहे होते हैं सिंगुलर का। नेम ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, अब हम ये हमारा नेम है, मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, लिंग्विस्टिक्स आ गया, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं तो हमें लग रहा होता है कि इनके आगे एस यूज हुआ है तो ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। बाई शेप आपको ये प्लूरल जरूर लग सकते हैं लेकिन दे आर सिंगुलर्स। द वर्ड न्यूज, न्यूज जब हम कहते हैं तो इट्स मीन कि ये सिंगुलर वर्ड है लेकिन शक्ल उसकी एज अ प्लूरल यूज हुई है। नाउन ऑफ सम कॉमन डिजीज, हम कहते हैं मेजल्स, मम्स, रिकेट्स, तो ये इनके आगे एस लगा हुआ है तो हम ये समझते हैं कि ये प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है लेकिन बाय शेप ये आपको प्लूरल लग रहा है। नेम ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स के नेम ऐसे हैं जिनके आगे एस का एडिशन है जिसकी वजह से वो हमें लग रहे होते हैं कि वो प्लूरल है लेकिन वो होते सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, अब मैथमेटिक्स देखें, अब जो वर्ड्स उन्होंने बताए थे उसका यूज भी यहाँ पर बता दिया। मैथमेटिक्स इसके आगे एस है, इट डजंट मीन के अ वर्ड विच हैज एस एट द एंड ऑफ इट्स शेप इज अ प्लूरल,
कोई भी ऐसा वर्ड जो अपनी शेप के आगे एस रखता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो. मैथमेटिक्स इज फेवरेट स्टडी. नो न्यूज इज गुड न्यूज. अब नो न्यूज, न्यूज के आगे देखें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, इज यूज किया है. इट्स मीन कि न्यूज जो वर्ड है शेप में तो आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन वो बेसिकली क्या है, सिंगुलर है. इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन. अब इनिंग्स का जो वर्ड है देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि इसके आगे एस का एडिशन है लेकिन है क्या ये, सिंगुलर है. नेक्स्ट हमारे पास है मेलिस इज इन्फेक्शियस. अब यहाँ पर देखें कि वर्ड को, डिजीज के नेम को देखें तो हमें सिंगुलर सॉरी प्लूरल लग रहे हैं लेकिन अगर हम उनको देखें तो वो वहां पर एज अ परफॉर्म कर रहे होते हैं एज अ सिंगुलर. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है means is used either as singular or plural but when it has the meaning of wealth it is always plural as his means are small but he has incurred no debt. अब यहाँ पर means जो word है या तो वो singular भी use हो सकता है और plural भी use हो सकता है लेकिन ये depend करता है कि आप उसको use किस context में कर रहे हैं. अगर आप उसको means को जो आप अगर use कर रहे हैं as a wealth की शक्ल में फॉर्म है तो वो हम आपके पास प्लूरल होगा. मैंने ये स्किप कर दी लाइन. ही सक्सेस बाय दिस मींस के वो अपनी सोर्सेज बता रहे हैं इन पासिंग द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर जो है हमारे पास बाय दिस मींस भी हो सकते हैं, दिस मींस भी हो सकता है लेकिन जब हम उसको वेल्थ की फॉर्म में लेंगे, वेल्थ शो कर रहे होंगे तो फिर हमारे पास वो प्लूरल ही होगा. सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स शो सिंगुलर इन फॉर्म और ऑलवेज यूज एज प्लूरल. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कुछ ऐसे नाउन्स हैं वो देखने में तो प्लूरल लग रहे होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं. यहाँ पर भी वैसे ही कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं सिंगुलर हैं शक्ल में, उनकी फॉर्म में लेकिन वो काम क्या कर रहे होते हैं, प्लूरल कर रहे होते हैं. जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री. तो ये हमारे पास देखने में तो सिंगुलर है लेकिन ये परफॉर्म क्या कर रहे हैं, प्लूरल का काम कर रहे हैं. These poultry are mine. Whose are these cattle? Vermin destroy our property and carry disease. Vermin जो है हमारे पास, ये हमारे पास as a shape में तो singular है लेकिन जब हम इसका use देखते हैं तो ये plural है क्योंकि अगर इसका use plural ना होता तो यहाँ पर हम destroy ना करें, destroys use कर रहे होते. इस तरह से ऊपर हम मतलब पोल्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि देखने में तो हमारे पास सिंगुलर है लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो ये प्लूरल था, इसके आगे हमने एड आर को एड किया. वी आर दोज पीपल, यहाँ पे पर्सन को शो कर रहा है. देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन. नेक्स्ट है हमारे पास एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन एंड इज यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल एज द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. अब इसको हम नेशन के तौर पर यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. देर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, नेशन शो कर रहे हैं उनकी क्योंकि वो कह रहे हैं देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल मीन्स नेशन को शो कर रहे हैं ऑन द होल, ना कि ये किसी इंडिविजुअल को शो कर रहा है. देर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, अब यहाँ पर भी यूरोप के पीपल को, यूरोप के नेशन को शो कर रहा है तो हम इसको एज अ, जब ये वर्ड पीपल जो है किसी नेशन को शो कर रहा होगा तो हम इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं. अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इन प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ब. अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता है कि हमने उनको यूज कैसे करना है, उनको एडिशन कैसे करनी है, उनको प्लूरल कैसे बनाना है. तो जैसे हम लोग समटाइम्स कहते हैं ब्रदर इन लॉ तो ज्यादा होते हैं अगर किसी के तो वो कह देते हैं ब्रदर इन लॉज नहीं होता, यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं. आपने जो है एडिशन करना है वो फर्स्ट वर्ड के साथ करनी होती है किसी भी कंपाउंड में. अब देखिए कमांडर इन चीफ, अब यहाँ पर हम कहें कमांडर्स इन चीफ फर्स्ट वर्ड, ये हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड था जो कंसिस्ट करता है हमारे पास टू और मोर देन टू वर्ड्स पर कंपाउंड वर्ड जो होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास कमांडर इन चीफ था तो हमने एस का एडिशन कमांडर्स के साथ ऐड करना है ना कि हमने चीफ्स के साथ. कोर्ट ऑफ मेल तो यहाँ पर कोर्ट्स ऑफ मेल आएगा. सन इन लॉ तो यहाँ पर सन्स इन लॉ आएगा ना कि लॉज आएगा. डॉटर इन लॉ तो डॉटर्स इन लॉ. स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप ब्रदर, सॉरी स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर. तो आपने उसका प्रिंसिपल वर्ड देखना होता है कि उसका प्रिंसिपल वर्ड क्या है, I mean जो है कि वो मेन हम उसके अंदर बताने का चाह रहे हैं. अब देखिए स्टेप सन, मेन हमारा वर्ड क्या था, सन. हम सन को बता रहे हैं कि वो उसका रियल सन है या वो स्टेप सन है तो हमने उसी वर्ड के साथ एडिशन करना होता है जो कि
प्रिंसिपल वर्ब होता है, लेकिन अगर इस तरह के एग्जांपल आ जाएं जैसे ऊपर आपको मैंने दी हैं इस फॉर्म में, तो वहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किसके साथ ऐड करें या ना करें। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड के साथ आप ऐड कर सकते हैं, दूसरे निशानी, ये निशाने के तौर पर मैंने आपको बताई है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपने माइंड में ये रखना है कि जब आपका एक वर्ड कंपाउंड वर्ड होगा तो उसमें मेन वर्ब वर्ड कौन सा है, आई मीन टू से इम्पोर्टेंट लफ्स कौन सा। अगर आपको वर्ड की समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर हम सन इन लॉ की बात कर रहे हैं, तो सन जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब था, फिर इसलिए हमने इसके साथ सन का ऐड किया। मेड सर्वेंट, अब यहाँ पर देखें मेड और सर्वेंट, और मेन वर्ड हमारे पास क्या था, सर्वेंट है, वो मेड सर्वेंट भी हो सकती है और दूसरी सर्वेंट भी हमारे पास हो सकती है, मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है उसमें, तो हमने एडिशन सर्वेंट्स के साथ करनी है क्योंकि मेन हमारे पास वर्ड है वो सर्वेंट्स है। पासर बाय तो पासर्स बाय, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर तो मैन ऑफ वॉर। इन चीजों को आपने जरा ख्याल से देखना है कि जब हमारे पास कंपाउंड नाउन आ जाए तो हमने जब उनको एडिशन करना है तो हमने उसके प्रिंसिपल वर्ब के साथ एडिशन करनी है। मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लुरल फॉर्म एज फ्रॉम लैटिन। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हमने देखना है कि वो अपनी जो फॉर्म है वो कैसे रखते हैं। अब फर्स्ट वर्ड हमें दिया है अरेटम, अरेटम को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे अरेटा। फार्मूला, फार्मूले या फार्मूलास, दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स को इंडिसेस भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज कर रहे होते हैं। अब ग्रीक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सिस एक्सेस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस, तो वो उन्होंने उसके अंदर अंदर से चेंजिंग कर दी उसके वर्ड लेटर्स में। फ्रॉम इटालियन, इटालियन की जब आप बात करते हैं तो बैंदित और बैंदिती, इस तरह से वो चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग उर्दू में कह रहे होते हैं लड़का और लड़की, आगे हम ये का एडिशन कर देते हैं। फ्रेंच की बात हम जब करते हैं तो मैडम आ जाता है, तो वो उसको जब चेंज करते हैं प्लूरल में तो मेस डेम्स का वर्ड यूज करते हैं। इस तरह मोन्सियर को जब यूज करते हैं तो वो मोसियर्स कहकर यूज करते हैं जब उसके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। Some nouns have two forms of plural each with a somewhat different meaning. अब देखिए brother singular है, brothers son of the same parents. अब हम जब word brother use करेंगे तो it's mean कि वो भाई है, लेकिन जब brothers use करेंगे it's mean वो हमें और meaning दे रहा है, it's mean कि वो brothers हैं तो वो एक ही parents same parents के भाई हैं, में से हैं एक दूसरे के भाई। ब्रदरन मेंबर ऑफ अ सोसाइटी ऑफ और कम्युनिटी, जब हम ब्रदरन की बात करते हैं इट्स मीन कि पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं तो आपस में उनके साथ जो उनके रिलेशन है हम उसको कह रहे हैं। इस तरह क्लॉथ, क्लॉथ हमारे पास सिंगुलर है, जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो जब हम क्लॉथ्स कहेंगे इट्स मीन कि हम उसकी टाइप्स बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स बता रहे हैं उस कपड़े की। और जब हम इस ईएस का इजाफा करेंगे तो इट्स मीन के हम यहाँ पर गारमेंट्स की बात करें। अब फर्स्ट वाला जो क्लॉथ है वहां पर हमने उसकी पीसेस की बात की, मींस डिफरेंट पीसेस है उनको हमने इकट्ठा किया, हमने क्लॉथ्स कह दिया, लेकिन जब हमने ईएस के इजाफा किया तो इट्स मीन कि हम उसके डिफरेंट गारमेंट्स की बात कर रहे हैं। डाई, डाई की जब हम बात करते हैं तो डाइज स्टैम्प ऑफ फॉर कॉइन और डाइज स्मॉल क्यूब्स यूज इन गेम्स। अब ऊपर वाला देखें स्टैम्प्स ऑफ कॉइन, वो डाइस जो हम सिक्कों के ऊपर हम स्टैम्प लगाते हैं वो, और नीचे वाला डाइस देखें जब हम लूडो खेल रहे होते हैं तो डाइस फेंकते हैं वो वाला डाइस है। इंडेक्स, इंडेक्सेस टेबल ऑफ कंटेंट टू बुक। अब हम लोग कोई भी बुक स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में इंडेक्सेस दिए होते हैं उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, लेकिन अगर इसी इंडेक्स को हम इंडिसेस यूज करेंगे, साइन यूज इन अलजेब्रा, तो जब हम इस तरह से यूज करेंगे स्पेलिंग को चेंज करने से तो वो टोटली मीनिंग चेंज कर रहा होता है। पेनी, पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स, पेनी मीन्स के हमारे पास कितने सिक्के हैं, पेंस मीन अमाउंट इन वैल्यू, के वैल्यू की बात कर रहे हैं आपकी। 42 पे है सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल। प्लूरल में उनके वन मीनिंग होते हैं लेकिन सिंगुलर में टू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट, अब हम इसको क्या कहते हैं, रेडियंस, इसे रेडियंस भी कह सकते हैं, लैम्प भी कह सकते हैं, प्लूरल की जब हम बात करते हैं इसमें लाइट्स एंड लैम्प्स। पीपल नेशन शो कर रहा होता है लेकिन इसके अलावा वो मैन एंड वुमेन इंडिविजुअल भी उनकी कैटेगराइजेशन भी कर रहा होता है, और जब प्लूरल में लेके जाते हैं तो प्लूरल फॉर्म में वो नेशन शो कर रहा है। इस तरह से पाउडर, पाउडर मीन्स डस्ट हो सकती है, अ डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। पाउडर एक डस्ट जो मट्टी की फॉर्म में होती है, दूसरी मेडिसिन हो सकती है पाउडर की फॉर्म में जो होती है। पाउडर्स की बात करते हैं तो वो डोज ऑफ मेडिसिन आ जाता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जब हमने बात की तो हैबिट ही, तो हमारी हैबिट बन जाती है, अब चीज को हम अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन,
दूसरी ये है कि आप किसी प्रोफेशन में है तो आपकी एक्सरसाइज उसमें हो जाती है, प्रैक्टिसेस की जब बात करते हैं तो वो हैबिट्स में आ जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स इस तरह से हैं जो कि प्लूरल सिंगुलर में डिफरेंट मीनिंग्स दे रहे होते हैं। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर टू इन प्लूरल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं वो एज अ सिंगुलर तो वन मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तो वो टू मीनिंग्स दे रहे। जैसे कलर, कलर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने दिया है हु और कलर्स, कस्टम्स, हैबिट्स, कस्टम्स, इफेक्ट, रिजल्ट, इफेक्ट्स, तो वो डिफरेंट मीनिंग्स आपको उसके आगे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हमने कलर की बात की हु और कलर्स, तो हमने हुज एंड द फ्लैग ऑफ अरेंजमेंट, तो यहाँ पर इसी तरह से कस्टम, हैबिट, कस्टम्स और हमने हैबिट्स, ड्यूटीज, लीव ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये हमारे पास डिफरेंट मीनिंग मल्टीपल सॉरी प्लूरल हमें दे रहे होते हैं इसकी मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है, अच्छा इसको आपने रीड आउट कर लेना है क्योंकि सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो जब तक आप लोग खुद इसको रीड करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें याद नहीं होंगी। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अब सिंगुलर में कुछ और मीनिंग है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग है। एयर, एटमोसफेयर, अब एयर हमने सिंगुलर यूज किया हवा, एटमोसफेयर माहौल, एयर्स और अफेक्टेड मैनर्स, एटमोसफेयर को जब उन्होंने लिया तो उन्होंने अफेक्टेड मैनर्स में लिया। गुड, बेनिफिट, वेल बीइंग, गुड सिंगुलर था तो हमने जब गुड्स की बात की इट्स मीन के थिंग्स की बात कर रहे हैं, गुड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट्स मीन कोई चीज है, चीजों की बात कर रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से वर्ड्स दिए हैं, कंपास, कैंपस, एक्सटेंट, रेंज, कैंपसिस एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल। तो ये इसी तरह से ये सारे वर्ड जो हैं वो हमें डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में कुछ और मीनिंग दे रहे होते हैं और प्लूरल में कुछ और। अब देखें यहाँ पर दिया हुआ रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अब इसी रिस्पेक्ट्स को हम लें तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्स का मीनिंग दे रहे हैं। फिजिक की हम बात करें तो मेडिसिन है, और फिजिक्स की बात करें तो नेचुरल साइंस वो सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। आयरन अ काइंड ऑफ मेटल, आयरन की बात करें तो फिटर्स इसमें आ जाते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको क्रैम करना पड़ेगा। 45th पे है हमारे पास लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एस ट्रॉफीज एंड एस एज। तो लेटर्स आ जाएं, फिगर्स आ जाएं और अदर सिंबल आ जाएं। देयर आर मोर देन इज एस इन दिस पेज, डोंट योर एस एंड क्रॉस योर टीज। अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने एस का एडिशन किया है, एड टू फाइव्स एंड फोर टूज। अब देखें एड टू फाइव्स, टू फाइव्स मींस फाइव को उन्होंने एडिशन कर दिया उसके अंदर, अपोस्ट्रोफी लगाकर एस को एड कर दिया। इट इज यूजुअल टू से द मिस स्मिथ, सिंगुलर मिस स्मिथ, हम मिस स्मिथ कह रहे होते हैं सिंगुलर की बात करें तो मिस स्मिथ आते हैं। अब्सट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, अब्सट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, दे आर अनकाउंटेबल। ये मैंने नाउन वाले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, तो जो चीज काउंटेबल ही नहीं है तो वो उसका प्लूरल नहीं बन सकता। होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज एज काउंटेबल। अब हम यहाँ पर देखें जब यहाँ पर ये प्लूरल के फॉर्म में यूज हो तो ये काउंटेबल हो जाते हैं। प्रोवोकेशंस, इंस्टेंस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस मींस मल्टीपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड आर नॉट देयरफॉर यूज इन द प्लूरल। कॉपर, आयरन, टीम, अब ये हमारे पास मटेरियल ना हो तो हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लूरल दे बिकेम काउंटेबल्स विद चेंजिंग मीनिंग। अब इनको जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो मीनिंग ही चेंज कर देते हैं टोटली। कॉपर्स, कॉपर कॉइंस, आयरन, फिटर्स, टीन्स, कैंस मेड ऑफ टीन, वुड्स, फॉरेस्ट, ये जो हमारे पास मटेरियल नाउन होते हैं इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। इन केस अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो ये हमें टोटली डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। सो कीप वॉचिंग जी इंग्लिश क्लासेस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।